तथागत कुछ कहूं? आपका भिक्षु बनने से पहले मेरा और देवदत्त का एक रिश्ता था, ज्येष्ठ और अनुज का। पर आज उनके व्यवहार देख मेरे मन में बड़ी ग्लानि उत्पन्न हो रही है। आपके संपर्क में आने के बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया। जब ज्ञान पा ही लिया तो सभी क्षमा के योग्य हैं आनंद। आप सबको क्षमा कर सकते हैं, पर देवदत्त बहुत संकीर्ण व्यक्ति था और अब भी है। मुझे भय है कि जब से आपने भिक्षुओं के बीच उनकी निंदा करी, वो आपसे किसी प्रकार का प्रतिशोध अवश्य लेगा और बदला लेने का उसका सिर्फ एक ही मार्ग है, संघ को विभाजित करना, जिससे आपके मन को पीड़ा हो। आनंद, संघ मेरी चेतना है, मेरे मार्ग का प्रमाण है कि वो पीड़ा का कारण नहीं बनेगा। भिक्षुओं के सामने देवदत्त की आलोचना करने का मेरा एक ही कारण था कि मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता था कि मैंने देवदत्त को मेरा या संघ का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं सौंपा है। और उसके पश्चात भी यदि देवदत्त कोई भी कृत्य करता तो वो केवल उसका दोष होगा। मुझे आपसे कुछ कहना है। वो पर आनंद मेरी छाया है आम्रपाली, उसके सामने कुछ भी कहने में संकोच ना करना। मुझे मेरे पुत्र जीवक और कुछ भिक्षुओं से ये सूचना मिली है कि देवदत्त आपके प्रति विरोध की लालसा रखता है। ये सुनते ही मैं चिंतित उठी और आपसे मिलने चली आई। और जिसके संरक्षण में देवदत्त ये साहस कर रहा है वो और कोई नहीं पर अजात शत्रु है। अजात शत्रु आपका प्रभाव कम करना चाह रहा है और देवदत्त आपका स्थान ले आध्यात्मिक गुरु बनना चाह रहा है। ये दो स्वार्थी मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं आपके विरुद्ध। यही भय था मेरा तथागत। भिक्षु देवदत्त अच्छा वक्ता है, उसने कई भिक्षुओं को दीक्षा दी और सब उनसे बड़े प्रभावित भी हैं, उनका सम्मान करते हैं। आप सत्य कह रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि देवदत्त आपके साधना मार्ग पे प्रश्न खड़े कर रहा है और आपकी साधना में त्रुटियां निकाल रहा है। आपके मार्ग को संशोधन का नाम देकर हर स्थान में भिक्षुओं को उकसा रहा है और कहता है कि आपकी सिखाने की प्रक्रिया आजकल के युवाओं के अनुरूप नहीं। जब जब संसार में स्वार्थ का विष फैलाया जाता है तो सदैव युवा वर्ग की आड़ में ही स्वांग रचाया जाता है। युवा जो बुद्धिहीन है, विवेक जिनके अंदर अभी जागा नहीं, और इस धूर्तता में अजात शत्रु देवदत्त का सहभागी है। अजात शत्रु ने गैसेसा वन भिक्षा में देवदत्त को दिया, भोजन और जल की व्यवस्था भी की। सैकड़ों भिक्षु जुड़ गए हैं, वो आपके संग में फूट डालकर एक दूसरा संघ बनाने जा रहे हैं। बुद्ध, आपके उपदेश का समय हो गया है। मैं आज्ञा चाहते, आपके लिए बहुत चिंतित, बहुत भय हो रहा है। जीवन का रहस्य है भय से मुक्त होना। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, मेरा क्या होगा तुम्हारा क्या होगा। आम्रपाली, किसी पर भी निर्भर ना होना। जब तुम भय को अस्वीकार करोगी तो तुम्हें पूर्ण मुक्ति मिलेगी। निर्बल को बल वही दे सकता है जो पूर्ण मुक्त।
और वो केवल आप है बुद्ध। आज राजगृह से बहुत लोग आए हैं, अन्य सब स्थलों से भिक्षु भी आए हैं। कोई प्रश्न या चिंता आप बुद्ध के समक्ष रखना चाहते हैं? आप भिक्षुओं को इच्छा रहित और सादगीपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, किंतु आज आपके 5 नियमों में मैं कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव रखना चाहता हूं, जिससे हम सभी भिक्षुओं के सादगीपूर्ण जीवन की प्रतिबद्धता और दृढ़ हो सके। एक, सभी भिक्षुओं का वन में ही रहना अनिवार्य हो। गांव में जाकर रहना या सोना प्रतिबद्ध। दूसरा, भिक्षा में जो भी मिले भोजन के रूप में भिक्षु केवल उसे ही ग्रहण करें। किसी के घर से भोजन के निमंत्रण को स्वीकार ना करें। तीसरा, भिक्षु फटे पुराने कपड़ों को सीकर केवल उन्हें ही अपने वस्त्र के रूप में ग्रहण करे। किसी के द्वारा भेंट में दिए गए वस्त्र ग्रहण ना करें। चौथा, निद्रा हेतु भिक्षु केवल वृक्ष के नीचे ही सोएं। कुटिया या भवन का उपयोग ना करें। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये 5वां संशोधन, मैं देना चाहता हूं कि सभी भिक्षु केवल शाकाहारी भोजन ही करें। देवदत्त, मैं तुम्हारे नियमों की अनिवार्यता स्वीकार नहीं कर सकता। जो भिक्षु केवल वनों में रहना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति है, बाकी अन्य ग्रामों और नगरों में रह सकते हैं। जो भिक्षु केवल भिक्षाटन द्वारा भोजन करना चाहते हैं वो उपासकों के निमंत्रण को अस्वीकार कर सकते हैं। अन्य को स्वतंत्रता है कि वो उपासकों के निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं। जो भिक्षु चीथड़ों को सीकर भिक्षु वस्त्र पहनना चाहते हैं वो इसके लिए स्वतंत्र है, किंतु अन्य जिन्हें उपहार में भिक्षु वस्त्र मिले वो 3 से अधिक ना लें। जो भिक्षु वृक्षों के नीचे सोना चाहते हैं वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु अन्य कक्षों और कुटियाओं में रह सकते हैं, ये उनका अधिकार है देवदत्त। जो भिक्षु शाकाहारी भोजन करना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति है, किंतु अन्य जो मांसाहारी ग्रहण करना चाहते हैं वो मांसाहारी ग्रहण कर सकते हैं, किंतु उनके भोजन के लिए किसी भी जीव की जीव हत्या नहीं की गई हो। देवदत्त, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भिक्षुओं को जनमानस से संपर्क करने का अवसर मिलता है, उन्हें सद्धर्म मार्ग की शिक्षा प्रसारित करने का अवसर मिलता है। तो आप
आप मेरे संशोधनों में त्रुटियां निकाल रहे हैं। त्रुटियां तो आप निकाल रहे हैं देवदत्त। मैं बुद्ध से बात कर रहा हूं, तो आप मेरे ये संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे। देवदत्त, मैं तुम्हारे संशोधन को अस्वीकार करता हूं। भिक्षु देवदत्त, आपको पता भी है आप क्या करें? भिक्षु देवदत्त, बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? आनंद, मनुष्य बड़ा अपने कर्मों से होता है, पर बड़े भाई जैसा कौन सा कार्य कर रहे हैं आप? आप पद भ्रष्ट हो तो क्या संघ को भी पद भ्रष्ट करोगे? मैं तो इस नई पीढ़ी को एक नई दिशा दे रहा हूं, एक नई सोच। ये क्या बात है? यदि आप बुद्ध के समक्ष अपने मन की बात रखेंगे तो बुद्ध का अपमान हो जाएगा। बुद्ध आपके मान सम्मान से बहुत ऊपर है। फिर भी माननीय देवदत्त के 5 नियमों को बुद्ध ने ठुकराया। क्यों? क्योंकि बुद्ध के नियम से अधिक कठोर है देवदत्त के नियम। जैसे सांसारिक रहते हैं वैसे भिक्षु रहेंगे तो सर्वनाश नहीं होगा। संसारिक और परम सत्य के बीच बुद्ध का ज्ञान ही द्वार है। यदि संसारिक की अवहेलना की तो न जाने कितने सारे मनुष्य परम ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। ये आप समझ नहीं पा रहे? बड़े कोमल हो गए, लेकिन ध्यान रहे, तपश्चर्य बड़ा कठिन है, कठोर, और हम सब इसी कठोर राह पे आगे बढ़ रहे हैं। तो देवदत्त ने संघ का विभाजन कर दिया। देवदत्त ने बबूल बोए हैं तो वो फल कहां से पाएगा? आनंद, जब तुमने ये समझ ही लिया तो मन में उद्वेग क्यों? अब हम जहां भी जाएंगे तो मुक्ति के मार्ग की नहीं संघ के विभाजन की चर्चा होगी। धर्म के मार्ग का उल्लंघन किया है देवदत्त ने, संघ का विभाजन किया है देवदत्त ने। बुद्ध, आज आप ये घोषणा कर दें कि देवदत्त हमारे संघ का सदस्य नहीं रहा, वो पद भ्रष्ट हो गया है। महाकश्यप, आपने पहले देवदत्त की प्रशंसा की थी, क्या आप सही कह रहे थे? हाँ बुद्ध, मैंने प्रशंसा की थी, लेकिन वो प्रशंसा उसके तप सदाचार और व्यवहार के लिए थी। और अब आप देवदत्त की निंदा कर रहे हैं, क्या ये सत्य कह रहे हैं? हाँ बुद्ध। बस मुझे यही जानना था, जो हो सर्वप्रथम सत्य का साथ मत छोड़ना। तो कल प्रातः ही हमारे समस्त भिक्षु ये घोषणा कर देंगे कि देवदत्त पथ भ्रष्ट हो गया है, अब वो हमारे संग में नहीं रहा। आप दोनों इतने चुप क्यों हैं? आप और सारिपुत्र कुछ कहते क्यों नहीं? बुद्ध, मैं और मुगलाना देवदत्त के संग में जा रहे हैं। डोली नीचे रखो।
देवी आम्रपाली, वैशाली के राजा का हमें आदेश है कि जैसे ही आपकी डोली वैशाली की सीमा में पहुंचे, आपको बंदी बनाकर उनके सामने ले जाया जाए। बंदी बना ही रहे हो तो अपराध भी बताइए। आप पर देशद्रोह का आरोप है। आपने वैशाली के परम शत्रु मगध नरेश, अजात शत्रु को शरण दी और अजात शत्रु की सच्चाई जानने के बाद भी आपने उनसे संबंध रखे। कोई तुम्हें छुए भी आम्रपाली, तो दूसरे दिन का सूरज नहीं देखेगा। अब तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं आम्रपाली। ये क्या आम्रपाली, अपनी जान पर खेलकर मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम? चलो मेरे साथ, मैं आज तुमसे विवाह करूंगा। मैंने तुमसे विवाह करने का निर्णय अभी नहीं लिया। कब से इस बात को टाल रही हो? आज तुम्हारा निर्णय होकर ही रहेगा आम्रपाली। मेरे कर्तव्य और प्रेम के बीच संघर्ष हो रहा है। कर्तव्य कहता है मैं तुमसे विवाह ना करूं, और प्रेम मुझे तुमसे विवाह करने पे विवश करता है। इस धर्म संकट में मैं ना जाने कब से हूं। पर अब मेरे सामने सब स्पष्ट हो गया है। मैं अधीर हो रहा हूं आम्रपाली, शीघ्र बताओ क्या है तुम्हारा निर्णय आम्रपाली? बुद्ध कहते हैं कि भय से मुक्त हो जाओ, भयभीत होके ये मत सोचो कि कल क्या होगा, मेरा क्या होगा। किसी पर निर्भर मत रहो, और जब भय को अस्वीकार करोगे तो संपूर्ण मुक्ति मिलेगी। और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही शक्ति है अजात शत्रु, भय की। तुम्हारा नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। आज कितने निर्दोषों को तुमने मृत्यु के घाट उतारा है। ये सब मैंने तुम्हारे प्रेम के लिए किया है आम्रपाली। प्रेम का नाम मत लो, तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता। कुछ ही क्षणों में तुमने कितने परिवारों को उजाड़ दिया है, कितनी औरतों को विधवा किया है, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया तुमने। ये चारों ओर बिखरे शवों का बोझ लेकर मैं तुमसे विवाह ना कर सकूंगी। तुमने मेरी शांति छीन ली है, मुझे अपने पापों का भागीदार बना दिया है। चले जाओ यहां से, चले जाओ। महाराज, जिसे हमने वैशाली की नगर वधु बनाया उसी ने देशद्रोह किया। महाराज, युद्ध में घायल मगध नरेश अजात शत्रु को इसने अपने घर में छुपाया। उसकी चिकित्सा के बहाने पर उसे वैशाली के सारे भेद बताए। ये अब भी अजात शत्रु से मिलती रही है महाराज। आम्रपाली, क्या ये आरोप सत्य है?
आम्रपाली, तुम्हारी चुप्पी को हम क्या समझें? इन आरोपों को तुम स्वीकार करती हो या उनका खंडन करती हो? मुझ पर जो आरोप लगे सब सच है। ये क्या कह रही है? निर्लज्ज है महाराज, कितनी निर्लज्ज है ये, भरी सभा में अपना अपराध कबूल कर रही है। महाराज, इस देशद्रोही को प्राण दंड देना चाहिए, दीवार में चुनवा देना चाहिए इस नागिन को। आम्रपाली, ये सुनकर हमें बहुत कष्ट हुआ। वो क्या कारण था जिसके लिए तुमने वैशाली के साथ ऐसा विश्वासघात किया? महाराज, मैं जो वैशाली पर अपनी जान छिड़कते आज अपराधी बन इन सब की घृणा की पात्र बन गई। सबकी आंखों में तो मैं दोषी ठहरा दी गई। नहीं आम्रपाली, जब तक दोष सिद्ध ना हो कोई तुम्हें दोषी नहीं मान सकता। तुम्हें जो कहना है कहो। मैं बुद्ध की अनुयायी हूं और बुद्ध ने कहा है कि कोई भी जीव, प्राणी या मनुष्य घायल अवस्था में मिले तो बिना किसी भेदभाव के उसकी सेवा करनी चाहिए। मेरे महल के बाहर एक सैनिक घायल पड़ा था, उसके शरीर पर वैशाली के सैनिक के पोशाक थे। मुझे नहीं पता था उस व्यक्ति की वास्तविकता क्या है, और उपचार करते करते मुझे उससे प्रेम हो गया। पर मैंने उसे ऐसा कोई भेद नहीं बताया जिससे वैशाली को किसी भी प्रकार की हानि हो। हम ये बात मानते हैं कि तुमने जानबूझ के वैशाली के शत्रु को शरण ना दी, परंतु जाने या अनजाने तुमने घोर अपराध किया है। यदि प्रेम करना घोर अपराध है तो इस पूरे दरबार में सब दोषी हैं। जो जो यहां है सब ने किसी ना किसी समय मुझसे, वैशाली की नगर वधु आम्रपाली से प्रेम किया। जो दंड मुझे मिले ये सब उसके भागी। दुख होता है कि मुझे इस बात की सफाई देनी पड़ी कि वैशाली का प्रेम मेरे रग रग में दौड़ता है। मुझे वैशाली के लोकतंत्र पे अभिमान है। मैं अपने रक्त के साथ विश्वासघात कर सकती हूँ क्या? मैंने अपने मातृभूमि से कोई छल नहीं किया, मैंने अपने प्रेम से कोई छल नहीं किया। मनुष्य और मनुष्य हो अजात शत्रु से प्रेम करने की भूल कर बैठी। उस सैनिक के मुखौटे के पीछे अजात शत्रु का चेहरा छुपा है, ये मुझे बहुत बाद में ज्ञात हुआ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महाराज, आप मुझे जो दंड देना चाहे मैं उसका सम्मान करूं। हम तुम्हारी निर्भीकता का आदर करते हैं आम्रपाली। मनुष्य मन है जो आज की बुराई देख पिछली सभी भलाई को भूल जाता है, और हम ऐसा ना होने देंगे। वैशाली के प्यारे नगरवासियों, आप में से ऐसा कौन है जिसे याद नहीं कि युद्ध के समय आम्रपाली ने हमारे सैनिकों का कैसे उपचार किया था? अपनी सारी पूंजी लुटाई, रात और दिन का ध्यान ना करते हुए हर समय हमारे सैनिकों का उत्साह बढ़ाया। हमें तुम्हारे सेवक यदु से यह भी पता चला, यदि तुम चाहती तो कई महीने पहले अजात शत्रु से विवाह कर मगध की महारानी भी बन सकती थी। बुद्ध के प्रति तुम्हारी श्रद्धा को भी हम भली भांति जानते हैं। इन्हीं कारणों से हम कोई कठोर निर्णय ना लेंगे। आम्रपाली,
हम तुम पर लगाए हुए सभी आरोपों से तुम्हें मुक्त करते हैं। इन चरणों में मुझे स्थान मिलेगा शाक्यमुनि गौतम? मुझे दीक्षा देंगे, अपनी भिक्षुनी बनाएंगे? वैराग्य तुम्हारे अंतर से उठा है आम्रपाली। मैंने इस छल कपट से भरी दुनिया की वास्तविकता देख ली है। जीवन के इस घूमते चक्र से निकलकर मैं शांति पाना चाहती हूं। गुरुदेव, सारिपुत्र और मोगलाना आपके भिक्षुओं को उपदेश दे रहे हैं। सारिपुत्र और मोगलाना बुद्ध के दाएं और बाएं हाथ हैं। आपको इन पे अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता ये आपके भिक्षुओं को तोड़ के वापस ले जाएं। बुद्ध के रूढ़िवाद से तंग आकर सारिपुत्र और मोगलाना हमारे शरण में आए हैं गोपालक। पर सच कहूं तो इनके आने से मुझे बड़ा आराम मिला है। कम से कम हर रोज उपदेश देने का बोझ तो मेरे सर से उतर गया। बुद्ध और उसके भिक्षुओं ने मुझे संघ से निकाला था ना, इनका मेरी शरण में आना मेरी विजय है। ये दोनों क्या भिक्षुओं को पट्टी पढ़ाएंगे कोकालिक? क्या तुमने कभी भी दोनों के मुख से मेरे लिए निंदा का एक शब्द भी सुना है? कभी नहीं, पर फिर भी तुम चीजों को भांप नहीं रहे हो कोकालिक। ये नहीं देख रहे हो कि इन दोनों के प्रभाव के कारण अनेकों भिक्षु मेरे संघ में शामिल हो रहे हैं। इसका साफ अर्थ ये है कि लोगों के मन में ये भावना प्रबल हो रही है कि खोट बुद्ध में ही है, और इसका जीता जागता उदाहरण है ये दोनों। गुरुदेव, मुझे आपको सावधान करना था, सो कर दिया। ये कपिलवस्तु का सैनिक यहां? प्रणाम राजन देवदत्त। क्षमा करें, आपको यह दुखद समाचार देने का भार मुझे सौंपा गया है कि कुछ दिन पूर्व राजा दुर्योधन की मृत्यु हो चुकी है, और उनकी मृत्यु के पश्चात महारानी मंगला का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया है। अपने अंतिम समय में एक बार आपसे मिलने की इच्छा रखती हैं और आपसे मिलकर आपको कुछ बताना चाहती हैं, इसलिए शीघ्र अति शीघ्र आपको मेरे साथ कपिल वस्तु चलना होगा। हाँ, हम अवश्य चलेंगे इसी समय। कुमालिक, हमारे पीछे से संघ की देखरेख का कार्य तुम्हें संभालना है। जी गुरुदेव। ध्यान रहे। जी गुरुदेव।
माँ देव कौन माँ मैं तेरा देव माँ देव हाँ माँ हाँ पुत्र तू आ गया पुत्र हाँ माँ ये क्या हो गया माँ तुझे अंतम खड़िया गिर रही हूँ पुत्र नहीं माँ ऐसा मत कह कुछ नहीं होगा तुझे पता है देव जब मैं अपने जीवन के पुराने पन्नों को पलट कर देखती हूँ तो सिवाय ग्लानी और पश्चाताप के मुझे और कुछ नहीं दिखता फुमा, मैं कुछ कहना चाहता था तुझसे नहीं नहीं पुत्र आज मुझे बहुत कुछ कहना है आज मेरा ये दशा तू देख रहा है मृत्यु शैया पर अकेली कोई नहीं ये पुत्र मेरा दंड है मेरे कर्मों का दंड है देव मेरे एक प्रश्न का उत्तर देगा तू हाँ माँ कुछ ना मैंने ऐसा क्यों किया अपने पूरे जीवन में मैंने सबको धोखा दिया जिन्होंने भी मुझ पे विश्वास किया भरोसा किया सबका विश्वास मैंने तोड़ दिया छल किया मैंने बता सकता है ऐसा क्यों किया आज पछता रही हूं मैं वो जो मेरे अपने थे जिनसे सब कुछ छीनना चाह वो सब कुछ त्याग कर चले गए नहीं मां तू ऐसा कह के अपना जी छोटा मत कर क्यों दुख देती है अपने आप को दुख बोया तो सुख कहां से पाऊंगी कष्ट तो ये है कि मैंने अपने पुत्र को भी अपने बुरे कर्मों के जाल में जला दिया नहीं मां ऐसा ना कह पर देव मेरी एक बात सुन मुझे भिक्षु से पता चला कि तूने पुत का संग तोड़ दिया हाँ ये सत्य नहीं है माँ मैंने किसी का संग नहीं तोड़ा माँ तेरे देव ने अपना स्वयं का संग खड़ा किया है उसने सब कुछ त्याग दिया इतनी यातना सही इतनी तपस्या की तब कहीं जाके सिद्धार्थ बुद्ध बना और तू उस पर अपना अधिकार जमा रहा है पुत्र नहीं माँ मैंने भी इतने वर्षों के जतन के बाद में
बुद्ध के मार्ग में त्रुटियों को खोजा है, संशोधन किए, साधना की नई पद्धतियों को खोजा है। मां, मेरे कारण बहुत से युवा आकर्षित हो रहे हैं और उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। बड़ा अनर्थ कर रहा है तू। साध धर्म का मार्ग उन्होंने खोजा, उनके कारण आज तू त्रुटियां खोजने में समर्थ हुआ। देव सावधान हो जा, समाज, हम बुरा करने वाले, हमारे मन के किसी कोने में ये प्रबल विश्वास होता है कि मृत्यु दूसरों की होती है, हमारी नहीं, पुत्र हमारी नहीं। ना तू रहेगा, ना तेरा संग, जैसा करेगा पुत्र वैसा ही भरेगा। माँ, तुझे पता नहीं है मेरे कारण कितने लोगों के कष्ट दूर हुए। ब्रह्म है ये तेरा। जब तू छोटा था तब सिद्धार्थ बनना चाहता था, नहीं बन पाया। आज आयु बढ़ने के साथ साथ तू बुद्ध बनना चाहता है। तू कभी बुद्ध नहीं बन पाएगा, पुत्र नहीं बन पाएगा। युगो युगो में एक ही बुद्ध होता है। कई जन्मों के तपस्या के बाद सिद्धार्थ बुद्ध बन पाया। पुत्र, तो मरते मरते भी तूने मुझे ये कटाक्ष और ताने देने के लिए यहाँ बुलाया है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि तू बुद्ध के शरण में गया पर अपना अंतर मन न बदल पाया। ईर्ष्या के कारण, मेरे दिए हुए बुरे संस्कारों के कारण तू उनके चरणों में बैठ अपने सारे पाप धोता। पर पुत्र, तूने तो उल्टा बुद्ध पे ही आघात किया। तू कभी भी बुद्ध नहीं बन पाएगा। पुत्र, मेरी बात मान। मैं बुद्ध बनूंगा। मां, मैं बनूंगा बुद्ध। यदि बुद्ध बनना चाहता है तो स्वयं अपना मार्ग खोज, नहीं तो बुद्ध की छाया बनकर चल। मुक्ति का द्वार स्वयं तेरे अंतर मन में खुल जाएगा। प्रतिष्ठा के पीछे मत भाग पुत्र, क्षण भंगुर है, मुक्ति ही सत्य है पुत्र। इतने वर्षों से बुद्ध के प्रवचन पर्याप्त न थे माँ, जो तेरे भी प्रवचन सुनूं मैं। उनसे क्षमा मांग पुत्र, उनके शरण में जाओ। ये कदापि ना होगा। यदि तूने मेरी अंतिम इच्छा पूरी ना की तो ये हम दोनों के लिए अच्छा ना होगा। हाँ, तू मुझे अग्निदान नहीं देगा और मेरे पुत्र के हाथों अग्निदान ना मिलने के कारण मेरी आत्मा भटकेगी। पुत्र, बुद्ध के शरण में जा, उनसे क्षमा मांग। मेरी बात समझ पुत्र, और बोल बुद्धा शरण।
समूचे कपिलावस्तु में यह सूचना भिजवा दो कि रानी मंगला नहीं रहे। मां नहीं रही। इसका अंतिम संस्कार किसी और से करवा ले। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। जीवन का रहस्य है भय से मुक्त होना। कल क्या होगा, तुम्हारा या मेरा क्या होगा, किसी पे निर्भर ना होना। जैसे ही भय को अस्वीकार करोगे, पूर्ण मुक्ति मिलेगी।